हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं उठ गई हूँ। मीठी ने बोला था, मीठी की एक फ्रेंड की डिमांड आई थी कि अप्पे बनवा के ले आना। तो मैं सबसे पहले बैटर को मिक्स कर दूँ क्योंकि उसको आधे घंटे लगते हैं, उसके बाद ही मैं बना सकती हूँ। और हाँ, जो बैकग्राउंड में आपको आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो यहाँ पास में ही एक मदरसा है, वहीं से आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ मैंने मूँगफली को ड्राई रोस्ट कर दिया है चटनी बनाने के लिए, तो ये भुन गया है। और इधर ले लिया मैंने सूजी में डालूँगी दही। ये दही जमी हुई भी थोड़ी सी है मेरे पास, और थोड़ा सा पैकेट में भी बचा है कल का। तो ये थोड़ी सी मिर्ची इसमें जाएगी, यानी कि जो चटनी बन रही है हमारी, और आधी मिर्ची जाएगी वेजीज में, यानी जो प्याज टमाटर भून के डालूँगी अप्पे के बैटर में। पहले मैंने इसे ड्राई ही ऐसे पीस लिया और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के चला दूंगी। चटनी रेडी। तो अब रेडी करना है तड़का अप्पे के लिए। तो अभी जा रही हूँ बाहर से कड़ी पत्ते तोड़ के लाती हूँ। तो फ्रेंड्स, बाहर आ गई हूँ और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। फ्राई है वेजीज का तड़का, ये भी रेडी हो गया बैटर से मिलने के लिए। थोड़ी देर की सो गई थी और अब जाके उठी हूँ, और अब मैंने ले ली है अपनी चाय और मैं जा रही हूँ अपनी चाय पीने के लिए। और उधर पांडे जी बैठ के देख रहे हैं टीवी, सुबह सुबह उनका टीवी लग गया। और मम्मी घी निकाल रही हैं, मम्मी मेरे से पहले ही चाय वाय पी चुकी हैं, वो बैठ के घी निकाल रही हैं, मलाई वलाई बची थी तो उसी का। ये पता नहीं कौन मेरा ही ब्लॉग लगा करके चला गया, सब इधर उधर घूम रहे हैं। जस्ट अभी नहा के आई हूँ और इधर भिंडी बन रही है। पांडे जी नहा रहे हैं गाना गा गा के, आपको मैं उनका गाना सुनाती हूँ। हो गया गाना खत्म। और ये देखिए मम्मी किसी को फोन लगा रही है लग रहा है। मैंने मलाई से घी निकाली, तो ये देखिए जो मलाई है ना, उसको मैंने गर्म पानी में डाल दिया एंड में, जब पूरी घी निकलने के बाद जो बचती है मलाई, उसमें भी बहुत सारा घी होता है, तो उसे मैंने डाल दिया गर्म पानी में। और गर्म पानी से निकाल करके इसको छान के अलग कर दिया, क्योंकि जो पानी है इसके ऊपर पूरा घी आ जाता है। इसे रख दूँगी फ्रिज में तो पूरी तरह से जम जाएगा, और इस तरह से उखाड़ करके पूरा घी निकाल दूँगी। है ना इंटेलिजेंट तरीका। वो जो मैं अप्पे बनाया था वो तो पूरा ख़त्म हो गया, तो दोबारा से ये प्रिपरेशन की है मैंने। चटनी तो बची है, कोई टेंशन नहीं है, तो फिर दोबारा से बना लूँगी। हम तीनों लोग बाकी हैं, मम्मी बाकी हैं, ये बाकी हैं। मैंने बोला आप लोग भी खाओगे, तो उन्होंने बोला हाँ। तो फ्रेंड्स, अब हो गई हूँ बहुत सारे कामों से फ्री, और इधर लेके आ गई हूँ मैं अपना नाश्ता। ये देखिए कैसा बना है। बहुत धोखेबाज होता है अप्पे बहुत धोखेबाज होता है गाइस। पहली बार बनाई हूँ तो इतना अच्छा बन के तैयार हुआ, जो बच्चे लेकर के गए, दूसरी बार वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये बहुत धोखेबाज होता है, कभी तो बहुत अच्छा उतरता है, कभी कभी बहुत ख़राब उतर जाता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि खाने लायक नहीं है, कोई कोई अच्छा मतलब निकल के आया है, और कोई कोई ऐसे एकदम से ऐसे सिकुड़ सिकुड़ सा गया है, बट ठीक है। तो अब मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने। हमारे कॉलोनी में एक झांकी बैठाई गई थी कृष्ण भगवान की, तो अब उनकी विदाई हो रही है, उन्हें लेकर के जाया जा रहा है। अच्छे से दिख तो नहीं रहा है, इधर बच्चे गेट वगैरह खोल लिए हैं, मगर जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और मूर्ति ले जा रहे हैं, बहुत गाने वाने बज रहे थे, बट गाने तो मैं नहीं लगा सकती। बच्चे डांस भी कर रहे थे, कलर खेल रहे थे उसमें, और बहुत अच्छी लग रही थी झांकी भी। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं बच्चे और मीठी अपना खा रही हैं। पराठा बनवाई है मेरे से भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि चावल ये खाएंगी नहीं,
थोड़ा सा खाया कर, दोपहर में चावल खा सकते हैं। और इसकी तबीयत नहीं ठीक है, स्कूल में इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए ऐसे मुंह लटकाई है, कुछ बोल नहीं रही है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो बकवास करती है ये, अभी बोल नहीं रही। मुंह देखिए इसका कितना, स्कूल में से इनके पेट में बहुत दर्द है। और घर आई मेरे चॉकलेट दे दिए, हाँ रोते रोते आई हैं, और चाय बनवाई है मेरे से, और पराठा सब्जी खा रही है। थोड़ा सा अब इसको आराम है, उसमें मैं इसीलिए इसको वीडियो में नहीं ली हूँ क्योंकि ये ठीक नहीं थी, अभी कुछ आराम है। फ्रेंड्स यहाँ हो रही है पढ़ाई क्योंकि टेस्ट चल रहे हैं तो, और कृषि अभी जस्ट आया है, कुछ सामान इसके पापा देने वाले थे तो लेके गया था स्कूटी, सामान लेकर आया है। तुम लोग को कौन खाना वाना दिया था स्कूल से आने के बाद? दादी। यार मैं बहुत सोई हूँ ना। हाँ यार तू कितना सोई हो आज। पता नहीं क्यों इतनी नींद आ रही थी मुझे। पापा को भी दादी। पापा को भी तुम्हारे पता ही नहीं चला है मुझे। फ्रेंड्स मैं तो ऐसी गहरी नींद में थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं इतना सोई हूँ ना, इतना सोई हूँ, बट ये नींद लेके मुझे जो फ्रेश मतलब मैं फील कर रही हूँ, जो रिफ्रेशमेंट आई है मेरे अंदर मैं बता नहीं सकती हूँ। तो सोना भी कभी कभी ज़रूरी होता है, जो मैं सोई हूँ आ करके 12 बजे ना, तो पता नहीं कब उठी हूँ। बच्चे बच्चे आ गए हैं और इन लोगों को खाना वाना सब मम्मी ने दिया, और मुझे पता ही नहीं चला पांडे जी भी कब आए हैं, वो भी खावा के चले गए अपना। तो आज का दिन ऐसे ही निकल गया, बहुत सोई मैं, मुझे कुछ काम करने थे जो मैं कर नहीं पाई आज। चलो कोई बात नहीं, अब कल करूंगी, कल पे टाल दिया मैंने अपना काम। अब चलती हूँ फ्रेंड्स, चाय बनाती हूँ, चाय पिलाती हूँ मम्मी को, और मैं भी चाय पीती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। मेरा जो इरादा है चाय पीने का वो बदल गया है, मैंने चाय मम्मी को बना करके दी, और मैं उबाल रही हूँ अपने लिए ब्लैक कॉफी के लिए पानी। पानी उबल गया है, मुझे आजकल जो नशा हुआ है ब्लैक कॉफी का बहुत ज्यादा हो गया है, बढ़ता ही जा रहा है ये नशा, तो मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। और इधर मेरा रेडी हो गया है सब कुछ, कप में मैंने गुड़ डाल दिया है, और अब डालूंगी इसमें कॉफ़ी। यहाँ कॉफ़ी भी डल गई, और कोई सुनेगा तो कहेगा पागल ही है ये जल्दी है, अगर कोई जल्दाई आदमी ये काम कर सकता है कि गुड़ वाली ब्लैक कॉफ़ी पिए, ये गुड़ वाली ब्लैक कॉफ़ी कौन पीता है? मगर जी हाँ मैं पी रही हूँ, मुझे बहुत ही एडिक्शन होता जा रहा है ब्लैक कॉफ़ी का, और गुड़ के साथ ही पी रही हूँ, बिना स्वीटनेस के नहीं पी सकती, तो गुड़ बेटर है इसलिए मैंने ये चूज़ किया, और ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, मुझे तो बहुत फ़ायदा कर रहा है। मैं इसे मिक्स करती हूँ, उसके बाद अपना ये ब्लैक कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ, गुड़ वाली ब्लैक कॉफ़ी, गुड़ वाली ब्लैक कॉफ़ी। तो जी लेकर आ गई मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी, और अब पीऊँगी अपनी ब्लैक कॉफ़ी, अलग ही सुकून मिल रहा है, मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं लगा था कि मुझे इसकी आदत लगेगी, बट ये एक हेल्दी आदत मुझे लगी है, जो कि मुझे काफ़ी इससे फ़ायदा मिल रहा है जी। दोपहर में सोने वाला नहीं, जो 2 घंटे सोई हूँ वो फ़ायदा नहीं, हाँ अच्छा भी होता है दोपहर में सो लो थोड़ा सा तो एक अलग ही फ्रेशनेस मिलती है, मगर हो सकता है इसकी वजह से मुझे 2 घंटे नींद आई हो, बट लोग कहते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी पीने से नींद नहीं आ रही, आती है मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीने से नींद आ रही है। और रात में भी ना बहुत अच्छे से नींद आ जाती है, एक्चुअली मैं एडिटिंग करने के बाद ना मुझे नींद नहीं आती थी, मैं सोचती थी जल्दी से मुझे अब नींद लग जाए, मेरा काम ख़त्म हो चुका है, बट नींद ही नहीं आती थी, और अब कुछ कहना ही नहीं है नींद का, जब चाहो तब नींद लग जा रही है, मतलब एडिटिंग खत्म की, थोड़ा सा करवट मारा, जो फटाक से जो नींद आती है ना मैं बता नहीं सकती हूँ, नेक्स्ट लेवल नींद आ रही है मुझे, तो मुझे ये ब्लैक कॉफी जगाने में नहीं सुलाने में काम आ रही है। फ्रेंड्स हम लोग का डिनर विनर हो गया, और मुझे फिर जोरों की नींद आ रही है, आज मेरा स्लीपिंग डे ऐसा लग रहा है, और एडिटिंग कंप्लीट कर ली है मैंने, तो अब मुझे ज़्यादा कोई काम नहीं है, और वीडियो को मैं यही पे करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स खुश रहिए एंड पॉजिटिविटी बांटते रहिए, पांडे जी बाय कीजिए, बाय फ्रेंड्स।